In the given arrangement, the loop is moved with constant velocity v in a uniform magnetic field b in a restricted region of width a. The time for which the EMF is induced in the circuit is चार options हैं हमारे पास. तो question तो simple है, मगर थोड़ा सा हम इसको visualize करते हैं. तो ये rectangle constant velocity से move कर रहा है forward direction. अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा. तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, 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 यहां तक फ्लक्स चेंज होगा. और यहां तक जो फ्रंट एंड है, यानी रेक्टेंगल का जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा ए के इक्वल. नाउ आफ्टर दैट फ्लक्स अब चेंज नहीं होगा, अब चेंज नहीं होगा, अब चेंज नहीं होगा, अब चेंज नहीं होगा. अब जब बैक पार्ट यहां पर आएगा, तब फिर से फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा. सो फिर से फ्लक्स चेंज होगा जब बैक पार्ट ए डिस्टेंस कवर करेगा. अभी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां तक चेंज हो रहा है ऑब्वियसली. तो बैक पार्ट ने ए डिस्टेंस कवर की, ऑब्वियसली जब बैक पार्ट ने ए डिस्टेंस कवर की तो फ्रंट पार्ट ने भी ए डिस्टेंस कवर की होगी. तो अगर हम टोटल फ्रंट पार्ट की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है 2a. जिस टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो टाइम होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जितनी डिस्टेंस जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज इक्वल टू 2a. तो टाइम फॉर विच जिसमें फ्लक्स चेंज होगा दैट विल बी 2a अपॉन b, 2a अपॉन b. सो द करेक्ट आंसर विल बी b.